everybody, this is Dr. Nidhi Gupta from Jeevan Jyoti. Today we'll discuss Desi Ghee ek dangerous poison hai ki nahi. Desi Ghee, jab bhi whenever we tell the patients ki unko Desi Ghee consume karna chahiye, to sabse pehle wo kya kehte hai ki uske to bahut sara saturated fats hai, agar hum use lenge, which will block our arteries aur hume heart attack aa jayega. Koi diet pe hota hai to wo ye kehte hai ki maine is time Desi Ghee bilkul band kar rakha hai, main ya to olive oil dalta hu, nahi to fat free khata hu. तो मैं ये करता हूँ. ये किसने दिमाग में डाला कि इससे देसी घी के अंदर प्रॉब्लम है? देसी घी के अंदर 70% MCTs होते हैं, विच इज मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स. इससे क्या होता है, इससे कीटोन्स बनते हैं बॉडी के अंदर, नेचुरल कीटोन्स बनते हैं जो कि सीधा गॉल ब्लैडर को बाईपास करके जाते हैं. गॉल ब्लैडर के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता तो आपका लिवर डिस्टर्ब नहीं होता. दूसरा, इसके अंदर 30% लॉरिक एसिड होता है. लॉरिक एसिड हैज लॉट ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज. इससे आपकी बॉडी इन जनरल प्यूरिफाई होती है. देसी घी हमारे कल्चर में बहुत टाइम से था, अब उसको वेस्टर्नाइजेशन की वजह से उसे हमने निकाल दिया है. उन्होंने ले लिया है, हमने निकाल दिया है. देसी घी जब पराठे के ऊपर लगता है तो उस पराठे के आटे में प्रॉब्लम है, देसी घी में प्रॉब्लम नहीं है. जब देसी घी के लड्डू बनते हैं तो उसके भी आटे में प्रॉब्लम है या चीनी में प्रॉब्लम है, देसी घी में प्रॉब्लम नहीं है. तो इसको वापस अपने कल्चर में लेके, आप एक दाल खा रहे हैं, दाल के ऊपर आप देसी घी डालिए, उसके ऊपर जीरा वगैरह डालिए और दाल को इंजॉय करिए, बिल्कुल जैसे पहले हमारे फोरफादर्स खाया करते थे. इसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, इसको वापस न्यूट्रिशन में अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करिए. इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर योर बॉडी एंड इवन फॉर लूजिंग वेट. So with the hope that you're going to get it back, I'm ending this video. So if you like our video, give us a thumbs up. Any more new videos in your mind, let us know about them. Thank you. Yeah.